मैं महेश कुमार, हुजरा शरीफ, कौसाम्बी, उत्तर प्रदेश की ये घटना है जहां लगभग 200 से अधिक दलित परिवार के लोग रहते हैं। यहां राम सजीवन और प्रभावती दो ऐसे दलित परिवार के लोग हैं जिनके दो बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे का नाम है शशि और दूसरे बच्चे का नाम है अनमोल कुमार। और इनके अलावा भी दो और महिलाएं हैं जिनका नाम है रामपति और सावित्री देवी। इनके दो बच्चे हैं रेखा और रंजना, जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को नाम नहीं लिखा गया क्योंकि अध्यापक ने कहा इन बच्चों को नाम नहीं लिखा जाएगा। मैं बोली क्यों नहीं लिखा जाएगा, इतने दिन बीत गए, मेरे बच्चे बराबर पढ़ने जाते हैं, फिर भी इनका नाम संकुल प्रभारी ने नहीं लिखा, टीचर ने मना कर दिया। मैं चाहिए कि हमारा लड़का का नाम लिख जाए, पढ़े लिखे ला गए और नाम नहीं लिख जाए तो कहे मैं पढ़ाई। टीचर ने आपके बच्चे का एडमिशन नहीं किया, इनके अलावा भी और बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा? एडमिशन हुआ है, वो बच्चे जो नहीं जाते हैं स्कूल ही पढ़ने, हमारा बच्चा पढ़ने से रह जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं ना? चाहते हैं तो गरीबी हालत में हम भेजते हैं तो फिर भी हमारे बच्चों को नाम नहीं लिखते हैं। हम सोचते किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लें, गरीबी हालत में तो नाम नहीं लिखते हैं, तमाम तरह समस्याएं हैं, इसीलिए हम भेजते हैं चलो प्राइमरी में पढ़ा देते, नहीं लोगों तो बहुत से लोग बड़े बड़े स्कूल में लिखवाते, हम इसी में पढ़वाते, फिर भी नहीं पढ़वाने देते, पढ़ने देते बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों का एडमिशन हो ताकि इनका भविष्य जो है अंधकार की ओर डूबने से बच सके और ये लोग अशिक्षित होने से बच सके, ताकि इसी इनके जीवन में किसी भी प्रकार की ना पढ़ने के वजह से अनहोनी ना हो सके, क्योंकि ये एडमिशन हेडमास्टर द्वारा कराया जा सकता है। हेडमास्टर का नंबर है 84-23-96-37-16। इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाने में आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मैं महेश कुमार, हुजरा शरीफ, कौसाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।